उपभोक्ताओं को राहत अगले माह हिमाचल में राशन डिपो में आधा किलो ज्यादा मिलेगा आटा। हिमाचल प्रदेश के 19,50,000 राशन कार्ड धारकों को डिपो में अगले माह आटा आधा किलो ज्यादा और चावल आधा किलो कम मिलेंगे। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने मई के लिए राशन की अलाटमेंट जारी कर दी है। अप्रैल में उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड 13.5 किलो आटा और 6 किलो चावल मिले थे। मई में 14 किलो आटा और 5.5 किलो चावल मिलेंगे। अन्य सस्ते राशन में 3 दालें मलका माश और दाल चना, 2 लीटर तेल और सरसों, 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और 1 किलो नमक शामिल है। शिमला में अग्निकांड, कृष्णनगर में 2 धारे जलकर राख, 2 एलपीजी सिलेंडर भी फटे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कृष्णनगर में शुक्रवार सुबह अचानक आग भड़कने से 2 धारे जलकर राख हो गए। इसके अलावा धारे में रखे 2 एलपीजी सिलेंडर भी फट गए। जोरदार धमाके की आवाज से आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से करीब 70 से 80 हजार रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा कुछ नकदी भी आग की भेंट चढ़ गई। हिमाचल मई में पथ परिवहन निगम को मिलेगी 50 डीलक्स 146 सामान्य बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम की खटारा बसों में सफर करने से यात्रियों को जल्द राहत मिलने वाली है। मई में निगम को 50 ऐसे डीलक्स हिमधारा और 140 सामान्य बसें मिलेगी। बसों के पीडीआई के लिए एचआरटीसी अधिकारियों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी है। एचआरटीसी के विभिन्न डिपो को बीते करीब 5 साल से नई बसें नहीं मिलेगी। ऐसी डीलक्स हिमधारा बसों में सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए वॉल्वो की तरह आरामदायक सीटें लगाई गई है। बस में 1 और 3 और दूसरी और 2 सीटें लगी हैं।